दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मेरा जो भी लाइव ट्रेड रहेगा वो लाइव ट्रेड का रिजल्ट के साथ मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे जो भी ट्रेड दूंगा वो रिजल्ट आप लोगों को शेयर करूंगा। और दोस्तों, मैंने हर दिन एचटीबीटी कॉल भी शेयर करता हूं और एचटीबीटी कॉल जनरली 320 के आसपास हम ट्रेड लेते हैं और उसके अगले दिन सुबह 915-916 के आसपास हम एग्जिट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को एचटीबीटी कॉल का रिजल्ट शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे जो भी कॉल दिया है वो कॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद मैंने जैसे हर दिन निफ्टी फ्यूचर के ऊपर, मतलब निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है वो स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी ट्रेड कर रहा हूँ वो ट्रेड का रिजल्ट और वो ट्रेड के बारे में आपको बताऊँगा। और जब मार्केट क्लोज हो जाएगा वीडियो के एंड पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले दिन कैसे मूवमेंट करने वाले हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले एचटीबीटी कॉल का रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो एचटीबीटी कॉल लिया था, एचटीबीटी कॉल पे 10,600 का पुट को मैंने राइट किया था और 11,000 का कॉल को मैंने राइट किया था। और ये दोनों कॉल पे देखिए 10,600 का पुट पे 1695 के आसपास प्रॉफिट आया और 11,000 का कॉल पे 15 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया, तो नेट 1705 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आया है। और दोस्तों, मेरा निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी का जो कॉल है मैंने ऑलरेडी ये कॉल ले चुका हूँ और देखिए ये लेवल के आसपास 2500 के आसपास लॉस दिखा रहा है क्योंकि मैंने निफ्टी फ्यूचर पे बाइंग का पोजीशन बनाया है और मैंने दो लॉट पे बाइंग का पोजीशन बनाया है और 10,850 का जो कॉल है मैंने चार लॉट राइट किया है। तो देखिए, मार्केट इसी लेवल के आसपास, अगर आप देखोगे बेसिकली मेरा जो कॉल था ये लेवल के आसपास था और इसी लेवल से देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है, इसीलिए ये लेवल के आसपास ये लॉस दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट क्लोजिंग होगा मतलब 320 के आसपास, देखिए नेट ये जो लॉस आपको दिख रहा है मैक्सिमम टाइम ये लॉस प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाएगा और मैंने आप लोगों को शेयर भी करूंगा कि हमको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक बार निफ्टी ऑप्शन राइटिंग पे जो भी सारे मैंने कॉल दिया है वो कॉल के बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए, ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे मैंने 10,750 का पुट को राइट करने के लिए बताया था। तो चलिए दोस्तों, एक बार 10,750 का पुट का डाटा भी शो कर देता हूं। तो देखिए, ये लेवल के आसपास हम 10,750 का पुट पे राइट किए थे, तो 44 रुपीज़ के आसपास हम राइट किए थे। लेकिन देखिए, ये लेवल के आसपास अभी लॉस चल रहा है। दोस्तों देखिए, मार्केट मेजर चांस है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये पुट का वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगा, इसीलिए मैंने अभी तक ये पोजीशन पे होल्ड किया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है और देखिए ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 10,750 का जो पुट मैंने मेरी ग्रुप पे शेयर किया है ये ग्रुप पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाएंगे तो देखते हैं, मेजर चांस है हमको आज प्रॉफिट ही मिलेगा। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी सारे चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट अभी 10,800 लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है और इसी लेवल के आसपास मार्केट पे एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल बन रहा है। क्योंकि ये क्यों सपोर्ट का लेवल है मैंने एक बार रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से सपोर्ट आया है, इसी लेवल से बेसिकली सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद जब मार्केट ये 10,775 से लेकर 10,800 लेवल के आसपास आ गया, इसी लेवल से दोबारा हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट अगर ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो हम हमारी लॉस बुक करके निकल जाएंगे, लेकिन मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो 10,750 का पुट है इसका वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, हम मार्केट को ट्रैक करके चलते हैं, देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। दोस्तों, मार्केट इसी लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और मैंने आपको बताया है मेरा जो टारगेट है बेसिकली 2400 से लेकर 3000 रेंज के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा तो मैंने ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट को बुक करके निकल गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आज का कितना प्रॉफिट आया है
और देखिए दोस्तों, ये बीच में आपको और एक इंट्राडे का कॉल दिखेगा, लेकिन ये कॉल जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, मैंने 10,850 का पुट को बाइंग किया था, जो मैंने छोटा सा लॉस लेके निकल दिया। लेकिन दोस्तों, निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी का जो कॉल था, मैंने निफ्टी फ्यूचर को बाइंग किया था और 10,850 का कॉल को राइट किया था। तो चलिए मैंने एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आज का एसटीबीटी का कॉल और हेजिंग स्ट्रेटेजी दोनों को मिला के आज का कितना प्रॉफिट आया है। तो देखिए, 1695 प्लस 2115 प्लस 15, अगर आप देखोगे 3825 का ये नेट नेट प्लस आया है, और माइनस को अगर आप देखोगे इस पे 247.50 का माइनस हुआ है। तो देखिए, नेट नेट 3577 के आसपास ये प्रॉफिट आया है। दोस्तों, मैंने इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया था, लेकिन आज का जो एसटीबीटी का कॉल था और जो हेजिंग स्ट्रेटेजी था, वो हेजिंग स्ट्रेटेजी और एसटीबीटी कॉल के हिसाब से 3577 का प्रॉफिट आया है। दोस्तों, ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। देखिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये आपको सेम ट्रेड दिखेगा। मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों, अभी मैंने ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब मार्केट एंड हो जाएगा, मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करूँगा और कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। और 320 के आसपास मैंने जो भी एसटीबीटी के लिए जो भी कॉल लूँगा, वो कॉल भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये सेम कॉल मैंने मेरी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मार्केट बंद हो चुका है, तो अभी अगर आप टाइमिंग देखोगे, 5 बजे के आसपास मैंने ये वीडियो को बना रहा हूँ, मतलब मैंने ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो देखिए, निफ्टी 50 का जो चार्ट पैटर्न है, मैंने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। दोस्तों, ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज ये जिस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, मेजर चांस है कल मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग देने वाला है। तो देखिए, अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, और देखिए दोस्तों, इसका नीचे एक गैप है। तो ये जो गैप है 10,633 लेवल के आसपास आ रहा है, तो मेजर चांस है कल मार्केट थोड़ा साइडवाइज एक रेंज के अंदर मूव करेगा और एक छोटा सा कैंडल फॉर्म करके 10,600 से ऊपर ही क्लोजिंग देगा। तो आज का जो एक्चुअल क्लोजिंग है, एक्चुअल क्लोजिंग 10,705.75 लेवल के आसपास हुआ है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न देख के जानते हैं कि निफ्टी फ्यूचर चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो देखिए, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे से आज का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट और थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। और देखिए, फ्यूचर चार्ट के हिसाब से मार्केट आराम से 100 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक बेयरिश एंगलबिंग का पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक सेलिंग के लिए सिग्नल देता है। तो मेजर चांस है कल मार्केट थोड़ा नीचे जाके क्लोजिंग देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन करके आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट कैसे मूव करने के लिए सिग्नल दे रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न को अगर आप देखोगे, ये जिस टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेयरिश है। तो मेजर चांस है कल मार्केट इसी लेवल से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग देगा। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली 22,200 लेवल और उसके नीचे 22,000, तो ये दोनों लेवल मार्केट के लिए स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल जैसा बिहेव करने वाला है। और कल ऐसे भी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे जनरली मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करता है, मतलब एक छोटा सा कैंडल फॉर्म करके एक रेंज के अंदर मूव करके क्लोजिंग देता है। इसीलिए मेजर चांस है कल मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, ये 22,000 से लेकर 22,200 लेवल के आसपास ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके जान लेते हैं कि निफ्टी के ऊपर ऑप्शन चेन का एनालिसिस के हिसाब से किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस आने के लिए हमको सिग्नल मिल रहा है।
देखिए मैंने यहाँ पे एनएस इंडिया का साइट ओपन किया है और एनएस इंडिया का साइट के हिसाब से 10,700 लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो 10,700 लेवल मार्केट के लिए आर द मनी रहेगा। तो देखिए 10,700 लेवल को अगर आप आर द मनी लेते हो तो ये राइट साइड पे सारे पुट का डाटा दिखेगा और लेफ्ट साइड पे सारे कॉल का डाटा दिखेगा। तो राइट साइड पे बेसिकली जो भी सारे पुट का डाटा दिखेगा, ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जिसी लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा पुट का डाटा ऐड हुआ होगा उसी लेवल के आसपास हमको स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जिसी लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल का डाटा ऐड हुआ है उसी लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए 10,700 से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो देखिए किसी लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा पुट का ऑप्शन राइटिंग हुआ है। देखिए दोस्तों मैक्सिमम अगर आप ऑप्शन राइटिंग को देखोगे, ये मैक्सिमम ऑप्शन राइटिंग तो देखिए यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो देखिए हमको कोई सपोर्ट का लेवल ये ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से नहीं दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट का लेवल आ रहा है बेसिकली 10,450 लेवल के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सिग्नल मिल रहा है कि मेजर चांस है कॉल मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए पुट का डाटा के हिसाब से हमको कोई सपोर्ट का लेवल दिख नहीं रहा है। और देखिए अगर आप कॉल का डाटा के हिसाब से देखोगे, कॉल का डाटा के हिसाब से 10,800 लेवल पे 13,20,300 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है। और देखिए सेकेंड हाईएस्ट कॉल का राइटिंग के हिसाब से ये 11,100 लेवल के आसपास 8,34,075 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। तो देखिए मेजर ट्रेडर का मानना यह है कि मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए ज़्यादातर कॉल राइटिंग हुआ है और पुट राइटिंग पे हमको कोई भी पोजीशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कॉल मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मिनिमम 100 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है।